स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम बात करेंगे कि आपको APS-C के लिए खास करके लेंस नहीं लेना चाहिए, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि लेंस ही आपका आँख है, आपका कैमरा लेंस के थ्रू ही देखता है, और यही रीज़न है कि हम लोग इंटरचेंजेबल लेंस जो लेते हैं वो इसी कारण से लिया जाता है कि लेंस जो है, अगर आप एक ऐसा लेंस बनाते हैं जो वाइड एंगल यानी कि ऐसा फील्ड ऑफ व्यू से टेलीफोटो तक जाए जो कि ऐसा हो, वो अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन अगर आप एक ऐसा लेंस रखते हैं जो मान लीजिए इस तरह का है, 70 से बेसिकली 300 तक का, तो इसका मतलब होता है कि वो इतना से इतना जा रहा है, इतना से इतना। तो ऐसा कोई लेंस बना जो इतना इतना हैंडल कर ले आराम से, अच्छा क्वालिटी के साथ किया जा सकता है। लेकिन आप कोई लेंस बनाइए जो ऐसे ऐसे मतलब टेलीफोटो से वाइड एंगल तक चला जाए, वो अच्छा क्वालिटी नहीं देगा। इसी कारण से इंटरचेंजेबल लेंस का सिस्टम भी बनाया गया कि लोग ऐसा नहीं था कि पहले नहीं कोशिश करते थे कि ऐसा लेंस बना जो सब चीज़ कर ले, बनता ही नहीं है। मतलब आप बना सकते हैं, फिजिक्स अलाउ करता है, फिजिक्स नहीं, बस क्वालिटी घट जाते आती है। तो इस कारण से फोटोग्राफी वर्ल्ड में इंटरचेंजेबल लेंस चल गया कि भैया ठीक है, हम जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे तो उसके लिए खास तरह का लेंस लेंगे, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे तो उसके लिए उस तरह का खास का लेंस लेंगे, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से लेंस लेंगे, लैंडस्केप कर रहे हैं अलग से लेंस लेंगे। तो इससे बहुत सारे औजार बन गए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं राइट टूल फॉर द राइट जॉब। जैसे आप वेडिंग करते हैं खूब सारा, तो आपके लिए सब लोग कहेगा कि 72-200 F2.8 ले लीजिए, आप खुश रहिएगा। और जैसे मान लीजिए कोई बहुत वाइल्ड लाइफ करता है तो उसको लोग बोलेंगे 72-300 ले लो या 400-600 ले लो। तो समझ सकते हैं आपकी जो जो काम कर रहे हो उसके हिसाब से एक लेंस बनाया जाएगा जो एकदम उसी के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। अब बाकी चीज़ वो नहीं करेगा, मतलब ज़बरदस्ती का वन लेंस टू डू इट ऑल का सिस्टम नहीं है। फिर आप ये समझिए, आप मिररलेस लें या DSLR लें, आपका लेंस ही सबसे बड़ा चीज़ हो सकता है। जैसे ये मिररलेस का फोटो आप देख सकते हैं कि मतलब मेरे को कैमरा पे अगर मैं लेंस लगाता हूँ, इतना बड़ा डब्बा लगाया, मतलब इसके आधा साइज़ का डब्बा में मेरा DSLR आया था। तो समझिए कि आपका लेंस ही बड़ा चीज़ होता है, आपका लेंस ही भारी चीज़ होता है। और इस तरह का बड़ा भारी लेंस का एक फ़ायदा होता है, अगर आप मान लीजिए किसी का फोटोग्राफी में गए हैं और आप मान लीजिए 2-3 फोटोग्राफर को बुलाया गया है एक जगह पर काम करने के लिए, होता है ऐसा कई बार होता है, और आप सब लोग वो नाइकॉन D3100 लेके पहुंच गए, किट लेंस से खुटर खुटर कर रहे हैं, आप ये बड़का लेंस लेके निकाल दिए, दादाजी आ गए हैं, मतलब समझिए आपको पैसा देने में लोगों को बनेगा कि हाँ भाई बड़ा कैमरा है, मतलब मेरे पास बड़ा है। तो वो बड़ा होने का भी एक फ़ायदा है, साइकोलॉजिकली लोगों को लगता है कि हाँ ये सीरियस है भाई। किट लेंस निकाल के मतलब DSLR से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप D3100 ही लीजिए या उससे भी पुराना अगर कुछ आता है तो खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लेंस पे पैसा मत बचाइए अगर आप फोटोग्राफी सीरियसली करना चाहते हैं। तो अगर आप किट लेंस लेके किसी की शादी में जाएंगे और आप बोलिएगा कि हमको 5,000 रुपया दो शूटिंग का, लोग दे देंगे। आप बोलिएगा हमको 50,000 दो, लोग हंसने लगे। लेकिन आप बड़का कैमरा बड़का लेंस लेके जाए तो हाँ भाई मतलब सीरियस है भाई, मतलब वो एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। तो लेंस के मामले में आप ये समझिए। दूसरा, जो भी फोटोग्राफी जीने के लिए करता है, मैं फोटोग्राफी नहीं करता हूँ, मैं वीडियोग्राफी करता हूँ, तो जो लोग फोटोग्राफर्स हैं जैसे वेडिंग फोटोग्राफर या आपका समझिए स्पोर्ट्स फोटोग्राफर ये सब हैं, तो उनका कैमरा बॉडी जो है वो एक छोटा खर्चा होता है, वो उनके लिए मतलब कहिए हर 2-3 साल में बदल सकते हैं या 4 साल में बदलते रहते हैं। लेंसेज जो है वो मतलब आपको कई सारे फोटोग्राफर मिल जाएंगे जो कैनन का एल ग्लास खरीदा हुआ है बहुत पुराना सा, आराम से चल रहा है, मतलब 4-5 कैमरा बॉडी बदल चुके हैं, लेंस अभी तक चल रहा है। मतलब अगर उनसे उनका कैमरा का बॉडी कोई चुरा ले वो लोग परेशान भी नहीं होंगे, लेंस चुरा ले तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि लेंस पे ही मेन खर्च आता है। जैसे मैंने अभी तक सिर्फ 2 लेंस लिए हैं, एक है किट लेंस का ही रेंज का बट F2.8 है, तो मतलब F4 जैसा काम करता है, और दूसरा तो ये लेंस आपको दिखाइए 72-300 है, तो ये 30,000 का है, वो भी 30,000 का, मतलब दोनों मिला के मेरा कैमरा सिर्फ 50,000 की है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सिर्फ 2 लेंस लिया और इसमें से सिर्फ ये 72-300 फुल फ्रेम के लिए है, तो अब मेरा दाम ऑलरेडी ऐसा हो गया कि मेरा DSLR से ज़्यादा पैसा मैंने लेंस में लगा दिया है। तो अभी अगर मेरा बॉडी ख़राब होता है तो हमको उतना झटका नहीं, लेंस ख़राब हो जाता मैं चला जाऊँगा। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि लेंस ही आपका मेन इन्वेस्टमेंट है, तो लेंस पे इन्वेस्ट करना सोच समझ के समझदारी से बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो तिगड़म क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ APS-C का लेंस नहीं खरीदिए। सबसे पहला ये समझिए कि हम लोग को एक झूठ बात बेचा गया था जो कि माइक्रो फोर थर्ड इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये झूठ बोलने में, कि स्मॉल सेंसर इक्वल स्मॉल लेंस, मतलब आपका सेंसर छोटा होगा तो आपका लेंस भी छोटा हो जाएगा। ये बात सही भी है और गलत भी है। तो सही है फील्ड ऑफ व्यू के मामले में, फील्ड ऑफ व्यू मतलब आपका लेंस कितना बड़ा एरिया दिख रहा है, इसे आप लोग एमएम के हिसाब से नापते हैं, जितना छोटा एमएम होगा यानी 18 mm इतना होगा, 16 mm इतना होगा, 10 mm इतना होगा, और जितना बड़ा एमएम होता है जैसे 300 mm है तो 300 mm मतलब एकदम नैरो फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू जितना छोटा होता है उसे हम लोग टेलीफोटो कहते हैं,
और जितना बड़ा होगा तो वाइड ये कहते हैं वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो फील्ड ऑफ व्यू के मामले में एकदम बात सही है, मतलब अगर आपका लेंस इतना बड़ा है 300 mm का, मतलब फील्ड ऑफ व्यू का, इसको अगर आप माइक्रो फोर थर्ड में लेते हैं इतना हो जाता है, बहुत सही बात है, यानी साइज छोटा हो गया। तिगड़म यहाँ पे आता है कि एपर्चर के साथ ऐसा नहीं होता, एपर्चर के साथ उल्टा हो जाता है, एपर्चर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सब लोग, तो आपको पता ही होगा, सब लोग बोलता है कि भैया एपर्चर को ये मिलीमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ मतलब 17:2 है, मतलब 50 मिलीमीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जो कि एफ माइक्रो फोर थर्ड में लगता है, तो हाँ सब लोग बोलते हैं भैया ये 100 मिलीमीटर का लेंस है। लेकिन अगर आप उसको एपर्चर के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो इसका बहुत भारी कीमत आपको भरना पड़ेगा। तो ये फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये इस किस वीडियो से मैंने उठाया ये फोटो, वो वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो इन्होंने देखिए G5 में इन्होंने पैनासोनिक का G5 जो कि काफ़ी तगड़ा कैमरा है, उसमें इन्होंने 45 mm पे एक कैरेक्टर को शूट किया, मतलब एक बंदे को शूट किया, ठीक है। और सोनी A9 जो कि फुल फ्रेम है उसमें उन्होंने 85 mm पे शूट किया ताकि फील्ड ऑफ व्यू मैच कर जाए, क्योंकि एक में 2x लगा हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। लेकिन एक F1.8 है, एक F1.8 है, तो आप तो बोलोगे दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं फोटो में कि एक का बैकग्राउंड ब्लर, मतलब पीछे कितना चीज धुंधला हो गया, वो बहुत कम है। वो इसलिए है कि एपर्चर में भी आपका क्रॉप फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए APS-C के लिए F1.8 लेंस ले लेते हैं, या माइक्रो फोर थर्ड के लिए F1.8 लेंस ले लेते हैं, तो ऐसा मत समझिए कि आपको एक्चुअली F1.8 लेंस मिल रहा है, जो कि फुल फ्रेम के कंपेयर में, अगर या फुल फ्रेम से बेटर आएगा, वो फुल फ्रेम के बराबर भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको वो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हाँ, कुछ कुछ लेंस आते हैं माइक्रो फोर थर्ड के लिए, जैसे F.9, ताकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी मतलब अच्छा रहे, तो वो एक का दुख का लेंस है और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उतना वाइड कर देने पे मतलब डेप्थ ऑफ फील्ड इतना पतला हो जाता है कि जैसे आप किसी का नाक यहाँ पे फोकस है तो ये कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्या है, दिख ही नहीं रहा। तो वैसा होने से चलते बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं बनाया जाता है। तो अगर आप किसी को ये बेचना चाहिएगा, आप 5-6 हज़ार में बेच पाइएगा, दूसरा वाला बेचना चाहिए आप 10 हज़ार में बेच पाइएगा, क्यों भाई, बैकग्राउंड तो है ही नहीं। तो इस कारण से ऐसा आपको झूठ बताया गया था, आपको सबको बेचा जाता है ये फोटो कि भैया छोटा कैमरा लो, छोटा लेंस रखो, बड़ा कैमरा लोगे तो बड़ा लेंस ढोना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एक ऐसा लेंस चाहते हैं जो आपको इस तरह का एकदम बढ़िया सा फोटो दे, मतलब बैकग्राउंड एकदम बिंदास दे, बहुत पैसा लगेगा भाई, पैसा भी लगेगा, लेंस भी बड़ा होगा। तो ये झूठ हम लोग को माइक्रो फोर थर्ड के चलते पूरी दुनिया को बेचा गया था। तो मैं, ये झूठ है, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक सिंपल आइडिया एग्जांपल देता हूँ। आपको मैं हमेशा कहूँगा कि थोड़ा सोच समझ के खरीदा कीजिए, क्योंकि एक बार आप खरीद लिया पैसा वापस कोई देगा नहीं, वो चाहे अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, बहुत कम ही लोग पैसा वापस देंगे। मतलब जनरली आपको रिफंड मिल सकता है कि आप दूसरा लेंस ले लो या ये कर लो वो कर लो, लेकिन सीधा सीधा पैसा वापस मिलना कम चांस है, इसलिए समझ से खरीदिए। और सोनी कैनन और नाइकॉन के केस में हमेशा आपको कहूँगा कि फुल फ्रेम लेंस लीजिए। सोनी का, जैसे मेरा पिछला एपिसोड में आप देख ही होंगे, सोनी का APS-C लेंस इतने खराब है कि डिस्टॉर्शन को वो बंद करने भी नहीं देते, मतलब डिस्टॉर्शन करेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली बंद करने नहीं देते, क्योंकि इतना खराब उसका डिस्टॉर्शन है। फुल फ्रेम में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फुल फ्रेम का जो लेंस खरीद रहा है वो पैसा खर्च किया है, लाखों रुपया खर्च किया, वो उसको आप ऐसा लेंस दीजिएगा तो घर में घुस के मारेगा आपको। और जो लोग फुल फ्रेम खरीद रहे हैं जनरली सीरियस हैं, जनरली उनके पास ज़्यादा पैसा है, जनरली उनका पहुंच बहुत बड़ा है। जैसे मान लीजिए फुल फ्रेम लेंस लेके कोई नेजियो का फोटोग्राफर है, वो खींचा, उसका दिमाग खराब हो गया, वो धड़ा से बोल दिया नेजियो के कि भैया कोई भी फोटोग्राफर नेजियो का नहीं सोनी यूज़ करेगा, गया सोनी। तो इस कारण से फुल फ्रेम पे हर कंपनी अच्छा खर्च करती है कि भैया नहीं, फुल फ्रेम तगड़ा चाहिए, लेकिन APS-C को सब लोग छोड़ देते हैं, छोड़ो। तो इसके चलते एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। लोग खरीदना नहीं चाहते APS-C के लिए बहुत लेंस, तो इस कारण से ये होता है कि कंपनी बनाना नहीं चाहती, सप्लाई डिमांड मैच नहीं हो रहा, लेकिन डिमांड बहुत है फुल फ्रेम का। क्योंकि जैसे भी आप किसी कंपनी में जाइएगा कि भैया मेरे को फुल फ्रेम लेंस चाहिए, मतलब कैमरा चाहिए, तो जनरली कैमरा ही मिलता है, किट लेंस आता ही नहीं है उसके लिए। और जो लेंसेज दिए भी जाते हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के दिए जाते हैं, तो और जनरली फुल फ्रेम वाले में कुछ ज़्यादा लोग मिलेंगे जो मतलब फुल फ्रेम खरीदे और उसके साथ बेटर लेंस लिए। आपको APS-C में ही ज़्यादा मिलेगा, कि कंपनी के नज़र देखने में लगेगा कि APS-C ज़्यादा बिकता है, और ये बात सही है। मतलब जैसे एक कैनन 5D, कैनन मार्क टू 5D, ऐसा इस तरह का जो एकदम फुल फ्रेम तगड़ा कैमरा है, वो सब बहुत कम पीस बिकता है, लेकिन पर पीस ज़्यादा लेंस बिकता है। APS-C कई सौ बेच रहे हैं, लेंस कुछ ही बिक रहा है, तो क्योंकि सब लोग किट लेंस लेके ही, जैसे मैं अभी कल ही एक फंक्शन में था तो वहाँ पे देख रहा था किट लेंस लेके ही उछल रहे थे, तो बड़ा अजीब लगता है, इतना बड़ा बड़ा बॉडी में इतना छोटा छोटा किट लेंस लेके बड़ा अजीब लगता है। तो सप्लाई डिमांड के चलते आप ये समझ लीजिए कि दाम कभी भी नहीं मैच करेगा। तो अब इसका आपको एक हकीकत वाला एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि सब लोग जो APS-C लेते हैं और सीरियस हो जाते हैं, उनको ये लेंस हमेशा आता है उनके सिर पे कि भैया मैं सिग्मा का 18-135
लेंस क्यों ना खरीद लो, ठीक है। अब वो तिगड़म इसलिए है कि ये F1.8 है, तो सब लोग सोचता है बहुत बैकग्राउंड ब्लर आएगा, बात सही है, तगड़ा बैकग्राउंड ब्लर देता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ब्लर अगर आप फुल फ्रेम में चाहते हैं, कि मान लिया क्या फुल फ्रेम कैमरा है, तो आपको तो 1.8 लेंस लेना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है, आप आराम से F2.8 लीजिए, आपको वही मिलेगा। तो अब एग्जांपल ये देता हूँ कि ये लेंस है 18 से 35 तक का, ठीक है, तो यानी रेंज जो है बहुत बड़ा नहीं है। अब वहीं आप इस पे आइए, ये एक फुल फ्रेम लेंस है, वो भी उसी का है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के बाद बता रहा हूँ ये बात, इसमें मैंने क्रॉप मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो वो है 24 से 70 तक, मतलब वो ज़्यादा जूम देता है, ये 1.9x जूम देता है, ये 2.9x जूम देता है, मतलब जूम ज़्यादा दूर आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा, इसमें वाइब्रेशन रिडक्शन नहीं है, मतलब जो अगर हाथ हिलता है तो फोटो इसमें ख़राब आ जाएगा, और बहुत लोग बोलते हैं नहीं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप ये कर सकते हो शटर स्पीड बढ़ा सकते हो, शटर स्पीड आप हर टाइम नहीं बढ़ाना चाहोगे, क्योंकि उससे इमेज में एक वो आ जाता है, खास करके अगर कोई मोशन है, जैसे मान लीजिए कोई डांडिया का फोटो खींच रहे हैं या होली होली का फोटो खींच रहे हैं, एकदम हवा में रुक जाएगा सब चीज़, अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फील खत्म हो जाती है, तो लोग चाहते हैं स्लो शटर स्पीड रखें, या रात में तो आपको रखना ही पड़ेगा स्लो शटर स्पीड, आप नहीं तो ISO बहुत बढ़ जाएगा, तो जब वैसा कीजिएगा तब ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भैया वाइब्रेशन रिडक्शन नहीं है इसमें है, ठीक है। तो समझिए इसका रेंज भी ज़्यादा है, वाइब्रेशन रिडक्शन भी ज़्यादा, तो आप बोलोगे दाम भी तो बहुत ज़्यादा होगा, हाँ बात सही है, इसका दाम है 70,000 रुपया, इसका दाम है 90,000 रुपया, तो समझ रहे हैं सिर्फ 20% ज़्यादा दे रहे हैं, तो आप 20% ज़्यादा देके आपको क्या मिल रहा है, आपको इससे ज़्यादा रेंज मिल रहा है, आप कितना दूर जूम कर सकते हैं, सबसे पहला फ़ायदा। दूसरा, उसमें वाइब्रेशन रिडक्शन है, यानी कि आप ज़्यादा जगह पर एक्चुअली शार्प फोटो ले पाएंगे। तीसरा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सब लोग बोलेगा नहीं अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन ये हल्का होगा, ये 800 ग्राम का है, ये सिर्फ 900 ग्राम का है, तो आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा सा वजन बढ़ रहा है आपका, मतलब ऐसा नहीं कि वजन आपका 10 गुना बढ़ गया या दुगना बढ़ गया, वजन आपका थोड़ा सा बढ़ा, आपका रेंज बढ़ गया, आपका वाइब्रेशन रिडक्शन आ गया, और प्लस ये लेंस आप खरीद लिए अपने कैनन के साथ, आप कैनन का फुल फ्रेम में नहीं खरीद पाइएगा, क्योंकि ये लगेगा नहीं, ये कैनन का फुल फ्रेम में लगेगा, नाइकॉन का फुल फ्रेम में लगेगा, सोनी का फुल फ्रेम में लगेगा, तो समझ सकते हैं थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पैसा दिए, फुल फ्रेम में आपको इतना ज़्यादा फीचर मिल गया, क्योंकि फुल फ्रेम के लेंस हमेशा ज़्यादा बिकते हैं, तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोच समझ के APS-C के लेंस खरीदने से बचिए, क्योंकि उसके लेंस बहुत अजीब गरीब तरीके से बनते हैं, सप्लाई डिमांड है नहीं, तो मैं कंपनी को भी ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं सिग्मा को भी ब्लेम नहीं करता हूँ कि ये लेंस इतना महंगा क्यों है, अगर ये लेंस मान लिए 30-35 हज़ार का होता तो अच्छा रहता, लेकिन समझ रहे हैं ये लगभग इसी के दाम का आ ही गया, तो मैं 20% एक्स्ट्रा दे के शांति से ये क्यों ना खरीद लूँ। और आप वजन का भी तो ऐसा नहीं है कि ये 500 ग्राम का है, ये 1 किलो का है, ऐसा होता तब बात अलग है, ये है 800, वो है 900, मतलब मैं थोड़ा सा और देखे, और प्लस उसमें रेंज भी ज़्यादा है, तो ये सब तिगड़म के बाद आप समझ सकते हैं कि आपको थोड़ा सा और पैसा देना पड़ेगा कहीं कहीं पे, तो वो भी नहीं करना पड़ेगा कोई APS-C का लेंस, क्योंकि जब ये लेंस आया था मार्केट में नया नया तब तो ये उससे महंगा था, अभी दाम घट गया है, तो समझिए कि आपको फुल फ्रेम लेंस में ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा, ज़्यादा थर्ड पार्टी के ऑप्शन मिलेंगे, और ज़्यादा खुशी से आपको जो चाहिए आप खरीद पाइएगा, प्लस आप अपना बॉडी अपग्रेड कर पाइए, जैसे मान लिया आपने फोटोग्राफी स्टार्ट किया, शुरू में एक बड़ा लेंस ले लिया, अच्छा से सबका फोटो ले रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, आपका पैसा खूब आ रहा है, ठीक है, अब आप बॉडी भी फुल फ्रेम कर दीजिए, एकदम बिंदास, सब सबका बैकग्राउंड ब्लर बड़ा आ जाएगा, ये लेंस पे अगर पैसा खर्च किया तो गया आपका पैसा, दूंगा इसमें वैसा नहीं हुआ, तो इसी कारण से APS-C लेंस के खरीदने से पहले आपको सोचना चाहिए, अच्छा आइडिया नहीं है, सिवाय फूजी फिल्म के, जिस पे मेरा वीडियो यहाँ देख सकते हैं, फूजी क्योंकि सिर्फ APS-C बनाता तो उसका सबसे बेस्ट लेंस APS-C के लिए आता, क्योंकि वो और कुछ नहीं बनाता, मतलब मीडियम फॉर्मेट है और फुल फ्रेम है, मीडियम फॉर्मेट जो कि फुल फ्रेम से बड़ा होता है, तो समझिए फूजी बहुत मेहनत करता है APS-C बनाने के, तो लेंस उसका बहुत अच्छा था, लेकिन यही तिगड़म है कि फूजी का लेंस का गिनती देखिए कितना लेंस है, तो यहाँ नाइकॉन और कैनन देता है 300-300, सोनी भी लगभग 100 पहुँच जाएगा कुछ दिन में, और फूजी का देखेगा तो 14-15 है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखिए, लेंस हमेशा पहले चुनिए आप कैमरा खरीदने से पहले, या तो अगर वीडियो कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर लेंस खरीदना चाहते हैं तो आप पहले लेंस ही देख लीजिए, फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो लेंस बहुत मायने रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट मैं एक बंदे का तो पैसा बचा लूँ कि जो ये खरीदने का जगह ये खरीद ले। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कि आपको APS-C का लेंस क्यों नहीं खरीदना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो, अच्छा लगा हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरा काफ़ी भला हो जाएगा। अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए, और मैं कहूँगा कि आपने मेरा वीडियो देखा यहाँ तक, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।